देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव तक इस 25 वर्ष के कालखंड को अमृत काल के रूप में संबोधित करते हुए अमृत काल की और आजादी के शताब्दी महोत्सव के वर्ष में हम कैसा भारत चाहते हैं उससे पूरे देशवासियों को जोड़ने का आह्वान किया था। और आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को पंच प्रण से जोड़ने की बात की थी। पंच प्रण में एक प्रण विकसित भारत के निर्माण का भी है और अमृत काल का यह पहला बजट उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी समावेशी बजट है जो समाज के प्रत्येक तबके को, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, वंचित, वनवासी समुदाय और समाज का वो प्रत्येक तबका, उन सबको इसमें अवसर देने का कार्य किया है और इन सभी अवसरों को यूनियन बजट में सप्तऋषि के रूप में संबोधित किया गया है। यानी इस तरह से भारत की परिकल्प भारत ने अपनी पूरी व्यवस्था को मार्गदर्शक के रूप में सप्तऋषियों के रूप में लिया है। वे सप्तऋषि भारत की व्यवस्था के आधारशिल्पी रहे हैं जिनके मार्गदर्शन में भारत की सनातन परंपराएं पली बढ़ी आगे वैश्विक मंच पर भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया। ऐसे ही सप्तऋषियों ने भी यही मार्गदर्शन में सारे कार्य हुए थे और सप्तऋषि के रूप में मार्गदर्शन करने के लिए सात महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी एक समावेशी विकास का मॉडल खड़ा करना, रीचिंग द लास्ट माइल यानी अंत्योदय की परिकल्पना, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए भी के लिए शासन की योजनाओं का लाभ देना। आपने देखा होगा कि कोरोना कालखंड में पिछले 3 वर्ष से लगातार 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ अगले 1 वर्ष के लिए और बढ़ाने का कार्य हुआ है। 2 लाख करोड़ रुपए सालाना इस पे खर्च होता है। यह भी इस योजना का एक इस बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अगर हम 2013-14 की तुलना में भारतीय रेल के बजट को देखें, इसमें 2,40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2013-14 की तुलना में 9 गुना अधिक है। हाईवेज के बारे में देखेंगे तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, वाटरवेज आदि के लिए भी प्रावधान किया गया है और इसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश लेने जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे पास है। उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़े पैमाने पे नए हाईवेज के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश ने भेजे हैं और उत्तर प्रदेश इस दिशा में कार्य कर रहा है और पिछले 5 वर्ष के अंदर जितने भी हाईवे, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है वह उत्तर प्रदेश के नए प्रशासन को और नए उत्तर प्रदेश के बारे में सबका ध्यान आकर्षित करता है। स्वाभाविक रूप से इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ भी उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक होने जा रहा है। प्रदेश के अंदर सक्षमता को सामने ढाला, अनलिजिंग द पोटेंशियल, यह इसका चौथा
भाग है और इसके बारे में उत्तर प्रदेश की अंदर की जो हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। दुनिया के अंदर भारत के बारे में कहा जाता है, पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रही है और देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के लिए संभावनाएं हैं। एक ग्रीन ग्रोथ यानी कैसे हम हरित विकास की ओर जा सके, कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करके हम डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल दें जो लोगों के सतत और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सके। उस प्रकार के मॉडल को, चाहे वो एनर्जी के क्षेत्र में आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी का हो, हाइड्रोजन एनर्जी का हो, या फिर खेती किसानी के क्षेत्र में आप देखेंगे तो विषमुक्त खेती के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्यक्रम, या भारत की प्राचीन उस पद्धति को जो आज 2023 का वर्ष मिलेट ईयर के रूप में भी घोषित हुआ है उस रूप में विकसित करने के लिए उसका भी प्रावधान बजट में किया गया है। यूथ पावर, उत्तर प्रदेश की देश दुनिया के अंदर अगर सर्वाधिक यूथ भारत के अंदर है तो भारत के अंदर सबसे अधिक यूथ उत्तर प्रदेश के अंदर है। उस युवा के विकास के लिए, उसके कौशल विकास के लिए, उसे आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए, उसे तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास होने हैं इस दिशा में, और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में फाइनेंशियल सेक्टर में जो कुछ भी अन्य नए प्रयास होने हैं हुए हैं, उन सभी 5-7 फोकस बिंदुओं को सप्तऋषि के रूप में मार्गदर्शन के रूप में रख करके यूनियन बजट को कल केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने देश की संसद में रखा है। स्वाभाविक रूप से यह यूनियन बजट एक विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करता है जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तब हर भारतवासी गौरव के साथ कह सकता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित भारत का नागरिक हूं। दुनिया के सामने भारत की जो पहचान थी उस रूप में वह अपने आप को कह सकता है। और इसलिए इस पूरे बजट के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगले 25 वर्ष का विजन इस पूरे बजट में छुपा हुआ है। दूसरा, ईज ऑफ लिविंग को और आसान बनाना, इस दिशा में भी अच्छे प्रयास हुए, इस पर जोर देने का कार्य हुआ है। बजट में भारत की आर्थिक विकास दर को 7% तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कार्य करना, आज के दिन पर भारत की विकास दर दुनिया के अंदर बड़े देशों में सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है। विगत अगर हम लोग 9 वर्षों की इस गति को देखें तो भारत के अंदर पर कैपिटा इनकम दुगने से अधिक हुई है। भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है और यूनियन बजट में इन सभी बातों को ध्यान में रख करके कार्य किया गया है। अंत्योदय के लक्ष्य को ध्यान में रख करके गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ देश के अंदर अगर 80 करोड़ लोग ले रहे हैं तो उसका भी सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। इसमें 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना के साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके बजट में काफी वृद्धि हुई है। पिछले 6 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश को 45.5 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के
आवास उपलब्ध हुए हैं। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 10 लाख नए आवास उपलब्ध हुए हैं, और मेरा अनुमान है कि जो शेष 4 लाख लोग अभी तक इस आवास से वंचित थे, यूनियन बजट में उनके लिए भी आवास का प्रावधान हो गया है। अब उत्तर प्रदेश पूरी तरह सैचुरेट होगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के उस हर व्यक्ति को जो शेष सूची 2012 में उस सूची के अंदर था, वह हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरी तरह सैचुरेट हो जाएगा। इसमें भी काफी बड़ी योजना, यानी लगभग 69,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। 66% की बढ़ोतरी केवल पीएम आवास योजना के अंतर्गत ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को ध्यान में रखकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। 25 करोड़ की आबादी देश की उत्तर प्रदेश में निवास करती है। पिछले बजट में 2014-15 का जो पहला बजट प्रस्तुत हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने उस समय देश के सामने एक विजन रखा था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उत्तर प्रदेश को इसके तहत 28 मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हुए, और इस बजट में देश के अंदर अगर उस स्कीम के अंतर्गत आप देखेंगे पूरे देश के अंदर 157 नए मेडिकल कॉलेज बने थे। उत्तर प्रदेश को 28 मेडिकल कॉलेज मिले, 28 मेडिकल कॉलेज और कुछ राज्य शासन ने अपने स्तर पर बना रही थी। इन सब को लेकर के लगभग हम लोग पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लगभग 35 मेडिकल कॉलेजेस पे हम कार्य कर रहे हैं। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की जगह किसकी ओर जब उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, तो हम सब आभारी हैं कि हेल्थ सेक्टर का जो बैकबोन है नर्सिंग और पैरामेडिकल, इसमें हमें 28 नए नर्सिंग कॉलेजेस मिल जाएंगे। ये 28 नए मेडिकल कॉलेज, यानी इन 28 जो मेडिकल कॉलेजेस मिले थे उनके साथ साथ एक एक नर्सिंग कॉलेज भी हमें उपलब्ध होगा। तो उत्तर प्रदेश के वे सभी क्षेत्र जहां इससे लाभान्वित होंगे, वहीं खासतौर पर नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में जो हमारा युवा है, जो बालिकाएं हैं, इन सबको 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी उसमें उपलब्ध हो जाएगी। और ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर प्लेसमेंट की गारंटी भी देता है और एक सिक्योरिटी की गारंटी भी देता है। यह सेक्टर में हमें एक उत्तर प्रदेश को 28 नए नर्सिंग कॉलेज इस व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त होने वाले हैं। प्रदेश के अंदर पिछले 6 वर्ष के अंदर जो हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र में, डेयरी और मत्स्य के क्षेत्र में जो कार्य किया है, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में आज नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में आज नंबर 1 पर है। इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 पर है। दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर है। और इन्हीं संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ढेर सारे प्रावधान किए गए। खासतौर पर मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमने प्रदेश की कृषि विकास दर को 5.5% से बढ़ा करके लगभग 8.5% तक ले जाने में हम सफल हुए। कोरोना कालखंड में एकमात्र सेक्टर ऐसा था जिसकी ग्रोथ रेट डाउन यानी रहने की बजाय वह स्थिर रहा या उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी रही और वह कहीं भी धोखा नहीं दी। एग्रीकल्चर के फील्ड में हमारे पास वो संभावना है, और मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर, यद्यपि उत्तर प्रदेश में हमारे अन्नदाता किसानों ने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से और विगत 8-9 वर्षों के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा मिले प्रोत्साहन के कारण बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन इसमें बहुत अच्छा करने की गुंजाइश अभी है, क्योंकि देश की सबसे अच्छी फर्टिलाइजर लैंड हमारे पास है, सबसे अच्छा
जल संसाधन हमारे पास है, जल संसाधन के बल पर ही पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने लगभग 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त जल की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई। पहली बार देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को और प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 60 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी प्राप्त हुआ। और उन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके अब कृषि ऋण की जो सीमा है यह फिर से भारत सरकार ने इसमें काफी बढ़ोतरी की है। पूरे देश के अंदर लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का एक बेहतर प्रस्ताव कृषि ऋण के लिए किसानों के लिए उपलब्ध करवाने के लिए व्यवस्था दी है। एग्रीकल्चर के फील्ड में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारी अन्य संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें इनोवेशन हो, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, इसमें बहुत सारी नई स्कीम की घोषणा भी इसमें की गई है। डेयरी सेक्टर में उत्तर प्रदेश के अंदर ढेर सारी संभावनाएं हैं, उन सबको भी बढ़ाने का कार्य किया गया है। और मिशन शक्ति का कार्यक्रम खासतौर पर महिलाओं के लिए जो एक मॉडल दिया गया है, महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने का जो कार्य किया गया है, इसमें काफी अच्छे प्रस्ताव हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग अकाउंट की राशि भी 4.5 लाख से बढ़ाकर के 9 लाख रुपए करने, प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, खासतौर पर अगर हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए, देश में नीति आयोग ने 2018-19 में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किए थे, जिसमें से 8 यूपी के थे। इसके लिए कुछ पैरामीटर तय किए गए थे, शिक्षा था, स्वास्थ्य था, कृषि और जल संसाधन था, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट था, फाइनेंशियल इंक्लूजन था। ये 6 पैरामीटर को लेकर के भारत सरकार ने, नीति आयोग ने जो देश के अंदर पैरामीटर तय किए थे, उत्तर प्रदेश के 8 जनपद सभी की स्थिति बहुत खराब स्थिति में थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 3 वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुए, नीति आयोग ने और अन्य केंद्रीय संस्थाओं ने, मंत्रालयों ने इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भरपूर मदद की, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर इन सभी जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को एक सामान्य डिस्ट्रिक्ट के रूप में आगे बढ़ाने में, वहां विकास की सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जो सबसे अच्छे कार्य हुए हैं, देश के अंदर टॉप 10 में यूपी के 5 जनपद हैं, टॉप 20 में यूपी के सभी 20 जनपद हैं, सभी 8 के 8 जनपद टॉप 20 में आए हैं। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर 100 विकास खंड को एस्पिरेशनल विकास खंड, वही पैरामीटर हम लोगों ने चिन्हित किए थे नीति आयोग के मार्गदर्शन में, और उस पर कार्य करना प्रारंभ किया। और हमें प्रसन्नता है कि 500 विकास खंड देश के अंदर एस्पिरेशनल यानी आकांक्षात्मक विकास खंड के रूप में उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य होगा, और उत्तर प्रदेश के 100 विकास खंड पे इस पे ऑलरेडी कार्य प्रारंभ भी हो चुका है और इसका लाभ भी उत्तर प्रदेश को मिलेगा। जिस दिन ये 100 विकास खंड सामान्य विकास खंड की तर्ज पर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा, और यह इसकी भी व्यवस्था इसमें की गई है। प्रदेश के अंदर अन्य जो कार्यक्रम प्रारंभ होने हैं, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर पर बच्चों के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए, किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था और लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए भी तमाम प्रकार के प्रावधान बजट में किए गए हैं, उसका लाभ भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा। क्योंकि अगर हम बेसिक एजुकेशन में ही देखेंगे तो शासन के द्वारा संचालित बेसिक शिक्षा के हमारे विद्यालयों में, हमारे पास बेसिक शिक्षा में 1 करोड़ 91 लाख बच्चे हैं,
माध्यमिक में इसी प्रकार से काफी बड़ी संख्या 56 लाख से अधिक तो केवल हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में बच्चे बैठ रहे हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड में, हायर एजुकेशन में भी बड़ी संख्या यूपी के अंदर है और हायर एजुकेशन से जुड़े हुए 2 करोड़ बच्चों को वर्तमान में हम लोग तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण भी हम उनका कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ भी उत्तर प्रदेश के बच्चों को काफी बड़े पैमाने पर प्राप्त होगा। प्रदेश के अंदर सीवर सफाई का कार्य एक अब मैनुअली न हो बल्कि 100% मशीनीकृत हो, मशीनों से हो, बड़े पैमाने पर इसमें मौतें होती थी, बहुत बार लापरवाही के कारण बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी होती थी। यह एक स्वागत योग्य कदम है और सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक कवच का काम करेगा। 5G सर्विस को डेवलप करने के लिए देश के अंदर 100 लैब्स की स्थापना, यानी हमारे जो इंजीनियरिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, इंजीनियरिंग जो कॉलेजेज हैं, अन्य टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें लैब्स को स्थापित करने के साथ साथ ढेर सारी रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने में वहां मदद मिलेगी और साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस देश के अंदर स्थापित होने हैं। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए खासतौर पर इसमें एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या कुछ हो रहा है तो लखनऊ का AKTU, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, इन सब को लेकर के भी हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। पर्यटन विकास की जो संभावनाएं हैं इसको मिशन मोड पर लेकर के सर्विस सेक्टर में अनेक संभावनाएं हैं और उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष के अंदर इन संभावनाओं को देखा है। यूनियन बजट में भी इसका स्थान दिया गया है और जिसमें खासतौर पर हर राज्य के अंदर एक यूनिटी मॉल का प्रावधान भी किया गया है। यूनिटी मॉल जहां पर उत्तर प्रदेश ने जैसे स्कीम अपनी चलाई थी 2018 में परंपरागत उद्यम के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, अपने प्रोडक्ट को तो हम करेंगे ही करेंगे, पूरे देश भर के ऐसे ही ODOP से जुड़े हुए प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, उसकी ऑनलाइन सेल करना, ये सभी सुविधाएं वहां एक जगह उपलब्ध हो पाएंगी। इसके लिए भारत सरकार मदद करने जा रही है और इसको लेकर के भी यह एक परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने और MSME सेक्टर के लिए बहुत अच्छी प्रोत्साहन की प्रोत्साहन का एक वो वहां पर प्राप्त उसका लाभ प्राप्त होगा। प्रदेश के अंदर अन्य कार्यों के साथ साथ प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी, यानी जो प्राकृतिक खेती को मिशन मोड पर लेने का कार्यक्रम चल रहा है, इसका लाभ भी उत्तर प्रदेश लेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश ने इसमें लगभग वर्तमान में हम लोग जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों मिलाकर के उत्तर प्रदेश लगभग 1,26,000 हेक्टेयर लैंड में वर्तमान में इस खेती को बढ़ावा देने में सफल हुआ है और उत्तर प्रदेश ने गंगा के तटवर्ती सभी 27 विकास खंडों में और बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों को इससे चयनित करके उसके लिए एक इंसेंटिव की भी घोषणा की है। इसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर को और वहां पे अन्य कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का हमने निर्णय लिया है कि विषमुक्त खेती को हम बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। MSME सेक्टर को यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। MSME आप जानते हैं देश का सबसे बड़ा जो बेस है वो यूपी के पास है, 96 लाख यूनिट सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम उत्तर प्रदेश के अंदर है और इसके लिए जो क्रेडिट गारंटी योजना है यह प्रदेश की हमारी जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है इसको तो मजबूत करेगा ही करेगा, यहां पे रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का एक अवसर हमारे पास होगा। ये सभी चीजें हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर, इन सभी योजनाओं को उत्तर प्रदेश को जोड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा और उत्तर प्रदेश की परंपरा को उद्यम को आगे बढ़ाने या उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्कीम जिसको हम आज के दिन पर हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के रूप में कहा था, अपने परंपरागत शिल्पकारों को
कारीगरों को प्रोत्साहित करने की स्कीम स्टेट गवर्नमेंट चला रही थी। मुझे प्रसन्नता है कि अब ये पीएम स्कीम के अंतर्गत, पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना के अंतर्गत ये स्कीम आगे बढ़ेगी। हमने 16 अलग अलग कैटेगरी को इसके अंतर्गत चिन्हित किया था, उनको हम लाते थे, उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जोड़ते थे, ट्रेनिंग के दौरान उनको एक निश्चित मानदेय देते थे, मानदेय देने के बाद फिर उन्हें सर्टिफिकेट देते थे और फिर बैंकों से उन्हें लोन उपलब्ध करवाते थे, टूल किट फ्री में उपलब्ध करवाते थे। एक स्कीम स्टेट के अंदर प्रारंभ की थी, अब इसे भारत सरकार का प्रोत्साहन मिलने पर इसमें प्रदेश के अंदर हर गांव में अलग अलग हस्तशिल्पी और कारीगर मौजूद है। इसको प्रोत्साहन को एक नया पंख लगेगा, इसको आगे बढ़ाने में हमें प्राप्त एक मदद मिलेगी। पीएम कौशल विकास 4 भी अब प्रारंभ होने वाला है, एक महत्वपूर्ण योजना होगी, खासतौर पर हमारे कॉलेजेस के बच्चों के लिए जो अभी तक सिंपली बीए किए थे, बीकॉम थे या बीएससी थे, कोई टेक्निकल उनके पास नॉलेज नहीं था, उनको अब आगे बढ़ाने के लिए या फिर हमारे अपने अन्य नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए एक नेशनल अप्रेंटिसशिप की स्कीम, जिस स्कीम को एक हमने अभी घोषणा भी की है यूपी दिवस के अवसर पर, उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम अप्रेंटिसशिप की स्कीम, जिसका पहला पार्ट हम लोगों ने बहुत पहले लागू किया था, जिसमें हम लोगों ने जो टेक्निकल हैंड्स थे, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ जोड़ना, और इंडस्ट्री के साथ जोड़ने के साथ साथ उसको जो मानदेय हम देते थे, आधा मानदेय हम देंगे, आधा इंडस्ट्री देगा एक निश्चित समय सीमा के अंदर। अब इस स्कीम के अंतर्गत भी एक भारत सरकार ने एक बड़ी योजना पीएम या नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के अंतर्गत लेने का कार्य किया है, और लाखों नौजवानों को इसके जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक यूथ यूपी के अंदर है, यूपी के नौजवानों को इसका लाभ प्राप्त होगा, और उत्तर प्रदेश के अंदर इससे काफी बड़े पैमाने पर नौजवानों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। हमारा अनुमान है कि इन सभी स्कीम के अंतर्गत देश के अंदर 47 लाख यूथ अगले 3 वर्ष के अंतर्गत इस स्कीम के साथ जुड़ करके इससे लाभान्वित होने का कार्य करेंगे। अगर आप देखेंगे कि पूरे यूनियन बजट के अंदर यूपी का जो शेयर है, यह जो पहले 22-23 में हमें 1,46,000 करोड़ रुपए का प्राप्त हुआ था, इस नए यूनियन बजट में अब ये हमारा यूपी का जो शेयर होगा 1,83,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा, और उत्तर प्रदेश स्वाभाविक रूप से जिस विकास की गति से आगे बढ़ रहा है, यह उत्तर प्रदेश के विकास को नया पंख लगाने और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को इन योजनाओं से आगे बढ़ाने में हमें यहां से इससे मदद मिलेगी। मैं आज के इस अवसर पर एक सर्वस्पर्शी, समावेशी और विकसित भारत की नींव डालने वाले बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, और मुझे विश्वास है कि यह नए भारत का और एक विकसित भारत की जो परिकल्पना पंचप्रण में प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में देशवासियों को जो संकल्प के साथ जोड़ा था, उस संकल्प के साथ जुड़ते हुए हर भारतवासी और हर प्रदेशवासी उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में काम करना प्रारंभ करेगा, तो इस सचमुच यह बजट उन सभी आशा और आकांक्षाओं को एक नया पंख देने का कार्य भी करेगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से एक लोक कल्याणकारी और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदरणीय प्रधान और एक जो मध्यम वर्ग के लिए जो अक्सर आती थी टैक्स, इनकम टैक्स की जो रिबेट की सीमा है वह 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख करना, काफी बड़े पैमाने पे इसकी लोगों ने तारीफ की है, इसकी काफी सराहना हुई है।
मध्यम वर्ग को भी इससे काफी लाभ मिला है। तो हर एक तबके को ध्यान में रख करके, जो मैंने पहले कहा कि सर्वस्पर्शी भी है और समावेशी भी है, लोक कल्याण को ध्यान में रख करके, लेकिन एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेशवासियों की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद जी।